यार जब तक पॉसिबल हो घर से मत निकलिए। अगर आज मैं बाहर आया हूँ, जो कि काफ़ी दिनों बाद आया हूँ, उसके पीछे भी वजह है, क्योंकि मेरी एक कंपनी है फार्मास्यूटिकल, और यार मेरा फ़र्ज बनता है कि यार मेडिसिन मैं पेशेंट तक पहुँचाऊँ, तो सिर्फ इसी वर्क के लिए बाहर आया हूँ। अदरवाइज़ यार घर रहिए और सेफ़ रहिए। और जब भी आप बाहर जाएँ यार मास्क जरूर पहनिए, N95 मिलता है तब भी ठीक है, अदरवाइज़ आप किसी कपड़े का भी मुंह पे आप लगा के बाहर जाइए, ग्लव्स पहनिए, ठीक है भाई लोग। और हाँ, वेलकम टू माय चैनल वंडरलेस मनी। काफ़ी वक्त के बाद निकलने पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि यह सारी दुनिया शायद नई हो गई है। जो सड़कें मुझे काफ़ी ज़्यादा छोटी लगा करती थी, अब वो सड़कें भी इतनी ज़्यादा बड़ी हैं भाई साहब। वैसे एक सजेशन है यार, इन दिनों में अगर सड़कों की मुरम्मत या फिर पुल वगैरह का काम करा लेते ज़्यादा बेटर होता, पर यार सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है, क्या कह सकते हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं भाई साहब लुधियाना के टोल पे, देखिए सामने। एक जो फ़ायदा हम उठा के जाने वाले हैं यार, वो है हम टोल पे पैसे नहीं देने वाले भाई साहब। टोल पे कोई है ही नहीं है, किसको पैसे देंगे, पूछ लेते हैं भाई साहब। हाँ जी सर, पर्ची काटनी है? जस्ट फनी ना, कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है। सड़क पे देखो तो यार इक्का दुक्का ही गाड़ियां हैं, और लोग पूरी तरह से लॉकडाउन का फॉलो कर रहे हैं। और आज जैसे कि लॉकडाउन 4 मई तक बढ़ चुका है, बट पंजाब में कर्फ्यू वाली सिचुएशन है 30 तक या 1 मई तक। जो भी है यार, आपकी सेहत के लिए किया जा रहा है, बहुत ही अच्छा स्टेप है। घर रहिए, सेफ रहिए, हमारे ऐसे को तो मजबूरी है बाहर आना पड़ा। और मैं आपको दिखा रहा हूँ घर बैठे ही बाहर का हाल कि कैसा है, सो डैट आपको भी पता चले कि यार कितनी शांति है। एसेंशियल मेडिसिन यार, और मेरी कंपनी की मेडिसिन जो लेने के लिए मुझे इस लॉकडाउन में बाहर आना पड़ा। और अब सारा काम हो चुका है और हम चलते हैं वापस अपने घर की तरफ। दोस्तों फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं, और ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये इसका कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि आप भी बाहर आइए। मैं बाहर गया क्योंकि मुझे मेडिकल सप्लाई करनी ज़रूरी थी, पुलिस वाले बाहर हैं क्योंकि उन्हें सुरक्षा करनी ज़रूरी है, और भी कुछ लोग हैं जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनके लिए बाहर है। हम लोगों की मजबूरी है कि आप लोगों के लिए हमें बाहर जाना पड़ रहा है, बट आप लोगों की कोई मजबूरी नहीं है। तो आप लोग अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए,
हम जैसे बहुत से लोग लगे हुए हैं आपको हर चीज आपके घर में पहुंचाने के लिए। सो सरकार की मदद कीजिए, देश की मदद कीजिए, इंसानियत की मदद कीजिए घर में रहकर, और इस बीमारी को फैलने से बिल्कुल ही रोक कर। सो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और लाइक करने लायक कुछ था इस वीडियो में कि नहीं था पता नहीं यार। अगर आपको लगा हो कि मेरे एफर्ट्स अच्छे थे, आपको घर बैठे बाहर का हाल दिखा सका, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ में लगी घंटी बजा दीजिए, क्योंकि घंटी बजाना, हाँ बिल्कुल ठीक का। चलिए मिलते हैं बाद में।